अस्सलाम वालेकुम। आज मैं माश की दाल बना रही हूँ, स्पाइसी वाली, जिसमें मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मैंने सूखा धनिया, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक लिया है। आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक टमाटर, हरी मिर्चें और 2 प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 पाव दाल मैंने भिगो के थोड़ी सी बॉयल की थी और उसका बॉयल का पानी मैंने गिराया नहीं था, वो भी दाल के अंदर ही था। प्याज को मैंने लाइट ब्राउन किया और इसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला और इसे अच्छी तरह भुना। जब लहसुन और अदरक का पेस्ट अच्छी तरह भुन गया तो मैंने इसके अंदर टमाटर डाले और उसे भी अच्छी तरह फ्राई किया। अब मैंने सारे मसाले इसके अंदर ऐड किए और मसालों को अच्छी तरह भूना, पानी का छींटा लगा लगा के। जब मसाले अच्छी तरह भुन गए, ऑयल ऊपर आ गया, तो फिर हमने इसके अंदर दाल ऐड कर दी। दाल पहले से बॉयल थी तो इसे इतना टाइम नहीं लगा पकने में। अगर बॉयल ना हो, पहले से भिगो के रखी हो, तो फिर यहाँ पे दाल को अच्छी तरह भून के थोड़ा सा पानी डाल के उसको गलने तक पकाएं और फिर जितनी ग्रेवी रखनी है आप रख सकते हैं। मैंने दाल बॉयल की हुई थी और इसके अंदर ही जो पानी था वो मैंने गिराया नहीं था, वो इसके अंदर ऐड करके थोड़ी देर मैंने इसे अच्छी तरह पकाया। जब ऑयल ऊपर आ गया तो हरी मिर्चों से गार्निश करके दाल को सर्व किया।